डॉक्टर साहब मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी पिछली बार आपने महाकाव्य के स्वरूप के बारे में बच्चों को कुछ जानकारी दी थी उसी बारे में बच्चे कुछ और आपसे जानना चाहते हैं मालविका जी आपने बड़ा सहज प्रश्न किया है बच्चे अगर इस विषय में जिज्ञासु हैं तो ये उचित ही है बच्चों पिछली बार महाकाव्य के स्वरूप की चर्चा करते हुए हमने महाकाव्य को कुछ तत्वों की ओर संकेत किया था वास्तव में काव्य जब महाकाव्य बनता है तो तत्व भी महातत्व हो जाते हैं और वे अपनी महत्ता के साथ अपने बड़प्पन के साथ उपस्थित होते हैं जब हम महाकाव्य के तत्वों की बात करते हैं तो वास्तव में महाकाव्य के चार तत्व हैं और वे महान तत्व वे हैं महान कथानक महान चरित्र महान भाव और महान शैली तत्व की बात यह है अच्छा डॉक्टर साहब मैं बीच में एक व्यवधान डालूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आपने जैसा कहा है कि महान कथानक महान चरित्र महान भाव और महान शैली ये महाकाव्य के तत्व हैं तो इन सब के साथ महान शब्द जुड़ा हुआ है तो क्या ये आवश्यक है कि ये सारे शब्द ये महान क्यों जुड़ा हुआ है इनके साथ काव्य जो महाकाव्य बनता है जी। तो उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है जी। और जीवन की व्यापक चर्चा महाकाव्य में प्रस्तुत की जाती है तो जब व्यापक चर्चा है काव्य महाकाव्य है तो ये तत्व भी अपनी महत्ता के साथ अपने बड़प्पन के साथ प्रस्तुत होते हैं। अच्छा इसलिए से हाँ। महान इनके साथ जुड़ा हुआ है अच्छा ये भी आवश्यक है कि तत्व के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं बन पाता तो महाकाव्य की रचना में इन चारों तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है ये चारों तत्व उपस्थित होंगे तब महाकाव्य की रचना होगी नहीं चारों तत्व तो उपस्थित रहेंगे लेकिन क्या यह भी आवश्यक है कि चारों ही तत्व जो हैं प्रत्येक महाकाव्य में समान अनुपात में हो यह प्रश्न तो बड़ा सुंदर किया आपने ऐसा है चारों तत्व की उपस्थिति तो अनिवार्य है जी किन्तु जो तत्व प्रधान हो जाएगा काव्य उस प्रधान तत्व के ओर संकेत भी करने लगेगा अच्छा यही कारण है आप देखें कि जिस तत्व की प्रधानता होती है महाकाव्य उस तत्व की प्रधानता के साथ दिखाई पड़ता है आप देखें तो कुछ महाकाव्य ऐसे हैं जो कथा प्रधान है अच्छा कुछ महाकाव्य ऐसे हैं जो चरित्र प्रधान है कुछ महाकाव्य ऐसे हैं जो भाव प्रधान है और कुछ महाकाव्य ऐसे हैं जो अलंकृत प्रधान या शैली प्रधान है अच्छा। आप में ये जिज्ञासा हो सकती है कि कौन से महाकाव्य ऐसे हैं जो कथानक प्रधान, प्रधान, प्रधान है। आपने महाभारत को पढ़ा है जी। आप जानती हैं ये कथानक प्रधान महाकाव्य अच्छा। आपने पृथ्वीराज रासो सुना है पढ़ा है रासो ग्रंथ तो ये जो रासो काव्य है जी। ये कथानक प्रधान है रामचरित मानस है इसमें राम का चरित्र भरत का चरित्र हनुमान का चरित्र यहां तक कि रावण इत्यादि के चरित्र को केंद्र में रखकर तुलसी ने चरित्र को प्रधानता दी है इसलिए रामचरित मानस चरित्र प्रधान महाकाव्य है का सूर सागर आप देखें तो छोटे छोटे तत्व ऐसे हैं जिनको सूर ने इतनी गहराई तक ले जाकर के उसको प्रस्तुत किया है कि पाठक एक बार ना चोटता यशोदा ने संकेत किया कजरी को हुलाल, तासो तेरी बेनी बढ़ाए काली गाय का दूध पियो काले बाल बढ़ जाएंगे। बच्चों को गिलास में दूध दिया गया कृष्ण एक बार पीते हैं छोटी टटोल लेते दोबारा पीते हैं टटोल लेते और चौथा घूंट पी तुरंत प्रश्न कर देते हैं मैया कब ही बढ़ेगी छोटी वो लंबे समय तक तो इंतजार नहीं करते हैं प्रतीक्षा नहीं करते हैं बालक में तो प्रतीक्षा की क्षमता नहीं होती बाल सुलभ जिज्ञासा बाल सुलभ जिज्ञासा है तो यहां पर भाव की प्रधानता है छोटे छोटे तत्व को लेकर सूर्य ने भाव की गंभीरता प्रस्तुत कर दी तो ये भाव प्रधान महाकाव्य रामचंद्र का को ले लीजिए केशव की अब उन्होंने एक कलात्मकता प्रस्तुत की छंदों की विविधता प्रस्तुत कर दी भाव की विशिष्टता प्रस्तुत करने के साथ अलंकारों का की एक झड़ी लगा दी तो वो अलंकृत प्रधान है यद्यपि होंगे तो ये चारों तत्व महाकाव्य में जी। लेकिन, लेकिन किसी, जी। में किसी की प्रधानता होगी और किसी में किसी की प्रधानता होगी हाँ। तो इस प्रकार ये चारों तत्व मैंने संकेत किया अब इन चारों तत्वों में प्रथम तत्व जो कथानक है उसकी चर्चा हम करते हैं कथानक दिवाद जब करते हैं अच्छा डॉक्टर साहब आपने ये कथानक कहा तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि कथानक और कथा वस्तु क्या ये दोनों भिन्न है आपने जो ये प्रश्न किया है ये सहज लोगों का प्रश्न है। जी। वास्तव में कथा वस्तु जो है सहज कथा या कथा कथानक को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए नाटककार जब उसको मंच पर प्रस्तुत लायक बनाता है उसमें कुछ जोड़ता है कुछ घटाता है कुछ आकर्षक बनाता है कुछ रोचक बनाता है जी, तो वो कथा कथा वस्तु हो जाती है किंतु प्रचलन में महाकाव्य के साथ भी कथानक के साथ कथा वस्तु जुड़ गया इसलिए आजकल महाकाव्य के कथानक को भी लोग कथा वस्तु कहने लगे जी, जी। अब ये कथा वस्तु महाकाव्य के कथानक के साथ भी प्रयुक्त होती है यद्यपि मुख्यतः ये नाटक का विषय जब कथा वस्तु की बात करते हैं तो सबसे पहली बात उसके विस्तार की ओर ले जाते हैं और तब यह है कि महाकाव्य की कथा विस्तृत और पूर्ण जीवन गाथा होती है कोई एक विशिष्ट पात्र जिसे नायक कह लीजिए उसके चरित्र का विस्तार करने के लिए उसके उसको केंद्र में मानकर एक सामान्य जीवन या विशिष्ट जीवन या आदर्श जीवन की एक व्यापक गाथा को महाकाव्य महाकाव्य का, जी। महा का प्रस्तुत करता है महाकाव्य की कथा इतिहास अथवा किसी महापुरुष की वास्तविक जीवन गाथा पर आधारित होती है विश्वनाथ जी ने कहा इतिहासोद्भव वृत्तम अन्यद्वा सज्जनाश्रितम ये कथा या तो इतिहास पर आधारित होनी चाहिए या किसी सज्जन या महापुरुष के चरित्र पर आधारित होनी चाहिए अच्छा ये जरूरी है कि वो जो चरित्र हम लेते हैं या जो महाकाव्य का नायक है वो कोई महान पुरुष ही हो सामान्य व्यक्ति को उसका नहीं बनाया जा सकता इसके साथ एक बड़ा सहज तर्क ये उठता है महाकाव्य की रचना के लिए काव्य कार्य महाकाव्यकार का उद्देश्य है जन सामान्य में उदात्त भाव की सर्जना जी। एक उत्कृष्ट भाव की प्रसूति और शिवेतरक क्षत जो काव्य का लक्ष्य रखा गया कि जो कल्याणकारी है उसका विस्तार हो जो कल्याणकारी नहीं है उसका विनाश हो तो फिर मतलब तो उस महान चरित्र, चरित्र के माध्यम से जी वो उस सामान्य जन के जीवन में एक उदात्त भाव उपस्थित करना चाहता है इसीलिए वो महान चरित्र को केंद्र में रखकर बात करता है मतलब कोई वह आदर्श प्रस्तुत कर सके आदर्श प्रस्तुत कर आगे आप देखें जी महाकाव्य को प्रारंभ करते समय जो कथा है वो मंगलाचरण से प्रारंभ होती है ऐसा क्यों है डॉक्टर वास्तव में जी। मंगल कहते हैं जो इस लोक और अपर लोक जी। दोनों में मोद और कल्याण मंगल का शब्द मोद से भी जुड़ता है और कल्याण से भी जुड़ता है मोद, मोद आनंद मने संदिता आनंद हृदय का एक उत्कृष्ट और रसमयी भाव है तो मंगला चरण के साथ एक उदात्त भाव उत्पन्न होता है तो कथा में या महाकाव्य की रचना में काव्यकार सबसे पहले ही आनंद में प्रवेश कर जाता है अच्छा। और उस आनंद के साथ जब कथा की सृजना होती है तो निश्चित वो लोकोत्तर प्रतिभा संपन्न कथा मानी जाती है और प्रत्येक सर्ग के अंत तो में आगामी सर्ग की सूचना होनी चाहिए अच्छा, इसको और स्पष्ट करते हैं डॉक्टर एक तो जो कथा है वो सर्गबद्ध होनी चाहिए स्वर्गबंधो महाकाव्यो नायक की चर्चा जब विश्वनाथ जी करते हैं जी। तो सर्गबद्ध सर्ग में खंड में अध्याय में कांड में रामचित लीजिए तो बालकांड किसा कांड अरण्य कांड, कांड इत्यादि याद लगाए। लगा है तो जो महाकाव्य की कथा है वो सर्ग में विभक्त हो या अध्याय में विभक्त हो या स्कंद में विभक्त हो या कांड में विभक्त हो और एक कांड की या एक अध्याय की पूर्ति जब होने लगे जी, तो उस पूर्ति के साथ आगामी अध्याय की कथा का संकेत दे देना चाहिए कि आगामी अध्याय में अब ये हो ये कथा हो जी, अच्छा एक बात यहां चर्चा कर देना है जो महाकाव्य है जी, उस पर जो कथा है उस कथा का कोई ना कोई फल है अच्छा तो जो फल है उसका भोक्ता अगर कोई नहीं है जी, तो फल बेकार है फल का अगर भोक्ता नहीं है नहीं। तो जो नायक होता है वो फल का भोक्ता कहा गया है इसीलिए संपूर्ण कथा में नायक को कथा का अधिकारी कहा जाता है नायक को कथा का अधिकारी कहा जाता है क्योंकि वो फल का अधिकारी होता है, है।, हाँ। है। इसलिए वो अधिकारी है और अधिकारी होने के कारण कथा वस्तु पर भी उसके चरित्र का प्रभाव पड़ता है हाँ। और तब इस तत्व को लेकर जब चलते हैं तो उसके आधार पर कथा का भी अलग विभाजन हो जाता है और आधिकारिक और प्रासंगिक इन दो रूपों में कथा वस्तु उपस्थित हो जाती है रामचरितमानस मानस में आप देखें जी। तो एक तो राम और सीता से संबंधित कथा है जिसमें राम दशरथ के पुत्र होते हैं जी। विवाह होता है बनगमन होता है और रावण को मारते हैं। इसके साथ साथ छोटी छोटी कथाएं या अन्य लंबी कथा जुड़ी, है। जुड़ी हुई है। कहीं बाल की कथा है हाँ। तो कहीं सुग्रीव की कथा है कहीं विभीषण की कथा है तो अन्य कथाएं जो जुड़ती हैं, वो उस आधिकारिक कथा को संबल देती हैं, सहारा देती है हाँ। प्रसंग के हिसाब से अलग 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 तो जे जे अलग अलग प्रसंग, प्रसंगों में वो छोटी छोटी कथाएं जुड़ती तो रहती हैं हाँ। और वे आधिकारिक कथा वस्तु को जी जो कथा वस्तु नायक के चरित्र पर आधारित और नायक के चरित्र को उत्कृष्ट बनाने में संबल है जी उस कथा को तो आधिकारिक कह लेंगे जी और उस कथा को पुष्ट करने के लिए जी उस कथा को अधिक बलवती बनाने के लिए छोटी छोटी जो अन्य कथाएं सहायक रूप में आकर के जुड़ जाती हैं, वे प्रासंगिक हो जाती हैं और इन प्रासंगिक कथाओं का भी अपना एक निजी अस्तित्व है निजी महत्व है अगर यह शिथिल हो जाती हैं, तो आधिकारिक कथा की बहुत बड़ी अपनी सत्ता हो तब तो वो टिकी रह पाती है अन्यथा शिथिल होने लगती है इसलिए महाकाव्यकार को आधिकारिक कथा वस्तु के साथ उसकी सहायक प्रासंगिक कथाओं पर भी विचार करना पड़ता है तो इस प्रकार जी। हमने ये देखा कि महाकाव्य के जो तत्व हैं जी। उन सारे तत्वों को महाकाव्य में उपस्थित होना अनिवार्य है कभी कभी प्रधानता के साथ कथानक प्रधान हुआ तो कथानक प्रधान महाकाव्य हो गया या कथा प्रधान महाकाव्य हो गया कभी कभी चरित्र प्रधान हो गए तो चरित्र प्रधान महाकाव्य हो गया कभी रस प्रधान हुआ या भाव प्रधान हो गए तो भाव प्रधान महाकाव्य हो गया और कभी कभी उसका जो प्रेजेंटेशन है उसकी जो प्रस्तुति है जी। उसकी जो अलंकृत शैली है शैली। वो प्रधान हो गई तो शैली प्रधान या अलंकृत प्रधान महाकाव्य हो गया और इसी आधार पर पहले जो तत्व कथानक की चर्चा हमने आप लोगों के समक्ष आज प्रस्तुत की मुझे विश्वास है कि आपने इसमें रस लिया आनंद लिया अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो दूसरे तत्व नायक और पात्रों पर चर्चा हम आपसे करेंगे